दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट्स को कब और कहां एस्टैब्लिश किया गया? दरअसल 1862 में इंडिया के सबसे पहले तीन हाई कोर्ट्स बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया और 1866 में अलाहाबाद हाई कोर्ट को। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, देश आजाद हुआ, नए स्टेट्स बने, उनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 में नए हाई कोर्ट्स को भी एस्टैब्लिश किया और आज की तारीख में इंडिया में कुल मिलाकर 25 हाई कोर्ट्स हैं। लेकिन इंडिया में कुल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि कुल मिलाकर 36 टेरिटरीज हैं जिनके लिए सिर्फ 25 हाई कोर्ट हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी का ज्यूरिसडिक्शन देख रहा है, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली का, या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का ज्यूरिसडिक्शन देखता है। इसकी व्यवस्था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन देख सकता है। तो आप बताइए कि इंडिया की कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है?